मेरा नाम है महक और आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक तरफ तो पूरी बीजेपी सरकार ने राम मंदिर का श्रेय मोदी जी को दे दिया है। न्यूज चैनल देख लीजिए, वहां भी बस यही दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मोदी जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का। लेकिन वहीं दूसरी की तरफ शंकराचार्य बार बार राम मंदिर में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के खिलाफ बता रहे, लेकिन ना इनकी बात पीएम मोदी सुन रहे हैं और ना ही कोई भी बीजेपी का नेता। वहीं अब तो शंकराचार्य ने बोला है वो हैरान कर देने वाला है और साथ ही परेशान करने वाला भी है सिर्फ बीजेपी वालों को। एक इंटरव्यू में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा, न्यूज तक ये रिपोर्ट है, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्म शास्त्र की गलती करे कि उनके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। वहीं इसके आगे इन्होंने कहा कि मोदी के जो चट्टे बट्टे हैं ना, वो हमें मोदी विरोधी बताने में लगे हुए हैं, लेकिन हम तो शास्त्रों की बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है राम मंदिर में वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है। वहीं दोस्तों, दूसरे शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ने भी मोदी जी पर आरोप लगाया है कि वो ये सब राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती जी ने कहा कि शास्त्र सम्मत विधा से भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का तेज तिरोहित हो जाता है, इससे मूर्ति में पिशाच प्रविष्ट हो जाते हैं पूरे क्षेत्र को तहस नहस करने के लिए, इसलिए सही विधा से ही काम होना चाहिए। शंकराचार्य ने आगे कहा कि अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता भी रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। धर्म गुरु नहीं पहुंच रहे हैं ये तो सबको पता ही है। भारत के प्रधानमंत्री गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, उनको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। तो दोस्तों, सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों पर बैठे शंकराचार्य बार बार ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अब तो शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वही होगा जो मोदी जी चाहते हैं। दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या आप शंकराचार्य की बातों से सहमत हैं या पीएम मोदी ही राम मंदिर में भगवान राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें? ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। किसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।